गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है आज के सेशन में। और आज हम लोग नाउन का ये सेशन करने वाले हैं, थ्योरी सेक्शन का सबसे लास्ट। यानी कि नाउन का जो भी बेसिक आप पढ़ाई करते हो कहीं से भी, उसमें एक सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर आपने स्टडी करी है तो ये आपका 8वां सेशन पढ़ना चाहिए। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे नाउन और उसके केस के बारे में। तो नाउन और केस की जब बात आ रही है तो इसके अंतर्गत क्या क्या बातें आने वाली हैं, इन सब को हम लोग राइट डाउन करेंगे। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट के साथ ये सेशन समाप्त करेंगे। और कुछ वर्कआउट क्वेश्चन भी आप लोगों को करवाए जाएंगे जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड होने वाले हैं। तो चलिए, आप लोग अपना नोटबुक लेकर के रेडी हो जाइए। जिनको भी इसको नोट करना है, खास करके फाउंडेशन कोर्स के अगर आप स्टूडेंट हैं तब, प्रैक्टिस वाले स्टूडेंट इस सेशन को आराम से चाहें तो स्पीड बढ़ा के बाद में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सेशन करते हैं आज का शुभारंभ नाउन डे 08 नाउन एंड केस के साथ। चलिए स्टूडेंट, तो आप लोगों को मैं बेसिक बातों में लेकर के सीधे चलता हूँ काम की बात पर, है ना। जो भी सेशन से रिलेटेड या कुछ एक्स्ट्रा बातचीत है वो हम लोग करेंगे आराम से बीच में। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं केस के बारे में। तो केस का हिंदी होता है कारक। अगर आप बिहार के हो, यूपी के हो, या फिर आप झारखंड के हो, दिल्ली के हो, उत्तराखंड के हो, तो आपकी भाषा हिंदी होगी। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप जो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं उसको एक्चुअल में आपकी भाषा में क्या कहते हैं। तो केस का मतलब कारक होता है, यानी हम लोग केस के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसको हिंदी भाषा में कारक के रूप में पढ़ा था आपने। हिंदी में जब कारक आप पढ़ते हो तो टोटल 8 आप पढ़ते हो, लेकिन यहाँ पर आपको 3 पढ़ने का मौका मिलेगा जब आप इंग्लिश में पढ़ रहे हो केस तब। तो केस में या कारक में एक समानता है हम लोगों का क्या, कि हम दो नाउन के बीच में रिलेशन का अध्ययन करते हैं। जैसे राम और सीता के बीच में रिलेशन है, अगर आप रामायण जानते हैं तो पति और पत्नी का। तो राम सीता दोनों के बीच एक रिलेशन जिसका नाम है पति पत्नी। तो हम कह सकते हैं राम सीता, यानी राम सीता के पति या सीता राम की पत्नी। तो इन दोनों के बीच के रिलेशन को जो का या की वर्ड से हम बता पा रहे हैं, ये का या जो की जो वर्ड है वो वास्तव में क्या कर रहा है, दोनों नाउन के बीच संबंध जोड़ने में मदद कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग ज़्यादातर जो नाउन और केस पढ़ते हैं उसमें हिंदी वर्ड का इंग्लिश रूपांतरण देखते हैं। लेकिन बेसिक में आपको 3 बातें इसमें सिखाने वाला हूँ कि अगर कोई नाउन सब्जेक्ट का काम करेगा तो क्या बोलेंगे, अगर वही नाउन ऑब्जेक्ट की भूमिका में है तो उसे क्या बोलेंगे, और वही दोनों नाउन आपस में किसी संबंध में जुड़ रहे हैं का हिंदी करा के तो उन्हें क्या बोलेंगे। यानी टोटल 3, सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस, ऑब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस, और एक अधिकारवाचक संबंधवाचक यानी पोसेसिव। टोटल 3 केस होंगे, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पोसेसिव। क्लियर, इतना बेसिक मैंने आपको सिखा दिया, समझा दिया। हम आज का सेशन शुभारंभ करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ पे कि डेफिनेशन क्या होगा केस का। आपको मैंने क्या बताया कि केस वास्तव में अध्ययन है, स्टडी है, क्या चीज का स्टूडेंट, रिलेशन का। अब रिलेशन जो होगा वो किसके बीच में होगा ये भी पता करना पड़ेगा, क्योंकि संबंध तो किन्हीं के बीच में होता है। तो बिटवीन टू नाउन्स, बिटवीन क्या सर, टू। तो दो नाउन के बीच के जो रिलेशन का अध्ययन होता है उसी को हमारे सर केस के अंतर्गत हमें सिखाते पढ़ाते आ रहे हैं आज तक। फिर से एक बार, केस इज द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन टू नाउन। दो नाउन के बीच में संबंध का जो अध्ययन है उसी को हम नाउन में केस कहते हैं या केस कहते हैं। अब कह रहा है कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, केस का इम्पोर्टेंस क्या है, केस की भूमिका क्या है इंग्लिश में, केस का नॉलेज जो हमारे पास है उसका क्या बेनिफिट हमको होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले बेसिक बात यह है, केस जो होता है एक्सप्रेस करता है, अंडरस्टैंडिंग को, मतलब सर समझ को बेहतर तरीके से समझाने का काम करता है। अब अंडरस्टैंडिंग ऑफ नाउन को ये बेहतर तरीके से समझाने में मदद करता है एज, कि वो जो दिया गया आपके पास नाउन है वो कब आपका सब्जेक्ट की भूमिका में है, कब वो ऑब्जेक्ट की भूमिका में है, और कब वो किसी दूसरे नाउन के ऊपर अपना अधिकार बताने का काम कर रहा है, यानी पोसेशन बताने का काम कर रहा है। तो क्वेश्चन में जब भी किसी नाउन की भूमिका सब्जेक्ट के तौर पे, ऑब्जेक्ट के तौर पे और उस नाउन के ऊपर अधिकार यानी पोसेशन के तौर पे हम लोग सीखते हैं, तो इस अंडरस्टैंडिंग को बेहतर तरीके से समझने में केस आपका मदद करता है। कि थ्योरी का सेक्शन थोड़ा सा आपको ज़रूरी है, इसलिए मैं इतना डिटेल से आपको बता रहा हूँ। तो हमें समझ में ये आ रहा है कि केस का परिभाषा है नाउन का संबंध का अध्ययन, फिर हमने बताया कि इसका इंपॉर्टेंस है कि नाउन में केस हम पढ़ा देंगे तो आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पोजीशन इन तीनों शब्दों के बीच अंतर समझ में आ जाएगा। बात अब होती है कि आपके पास जो केस हैं सर वो उनके टाइप क्या हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे पास इंग्लिश की जब बात करते हैं तो तीन टाइप होते हैं केस के, 3 टाइप्स ऑफ केस इन इंग्लिश। अब इस बात को हमेशा ध्यान देना है कि हिंदी और इंग्लिश में आपका जो भी वर्ड आप पढ़ते हो खास करके उनके भेद की संख्या में बड़ा अंतर है। जैसे आप लोगों को पता है कि नाउन आपके पास हिंदी में संज्ञा कहलाता है, उसके 5 भेद हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। लेकिन यही बात यहाँ केस में नहीं हो रहा है। केस 8 होते हैं हमारे पास टोटल, जब हम इंग्लिश में नहीं हिंदी में बात करते हैं। लेकिन जब इंग्लिश की बात आती है तो हमारे पास मात्र 3 बचते हैं। ठीक है, थोड़ा सा टाइप में अंतर है, टाइप की संख्या में अंतर है हिंदी और इंग्लिश। तो 3 टाइप ऑफ केस इन इंग्लिश। आप स्टूडेंट होने के नाते आपको शायद पहले से 7, 8, 9, 10 आपने जब भी केस के बारे में अध्ययन किया होगा, पढ़ा होगा, तो आपको सर ने पढ़ाया होगा ज़रूर। तो मुझे उम्मीद है कि सारे स्टूडेंट इस बात को समझते होंगे। तो चलो, सबसे पहला जो टाइप हमारे पास में है इसको टीचर ने हम लोगों को बचपन से आज तक पढ़ाया है, नॉमिनेटिव केस। कौन सा केस सर? नॉमिनेटिव केस। अब इसी को हमारे सर ने सब्जेक्टिव केस भी बताया है, सब्जेक्टिव केस। दूसरा जो टाइप हम लोगों को सर ने सिखाया है वो है ऑब्जेक्टिव केस। चलो, ऑब्जेक्टिव केस का एक और नाम है, पता करो कि क्या बोलते हैं उसको। और तीसरा है आप लोगों के पास में पोसेसिव केस। ठीक है, तो पहले तो ये बच्चों वाला काम जो है हम लोगों ने कर लिया, केस का डेफिनेशन क्लियर कर लिया कि केस इज द रिलेशन या स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन टू नाउन्स। फिर हमने इंपॉर्टेंस समझा कि नाउन को सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पोसेशन 3 तरीके से समझने में ये मदद करेगा। 3 टाइप इंग्लिश में होते हैं, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पोसेसिव। अब लोग आगे बढ़ेंगे अगर इतना हो गया आपका तब। चलिए, बाकी ये सेशन अगर आप गलती से भी YouTube पर देख पा रहे हैं तो मैं कहूँगा कि जो फाउंडेशन के आपके जूनियर भाई बहन हैं उनको सजेशन ज़रूर कीजिए कि वो चैनल ज्वाइन करके रखें, और नाउन का कंप्लीट वीडियो YouTube पर आपको मिल जाएगा उन सभी बच्चों को। ठीक है ना, तो नाउन का कंप्लीट वीडियो मैंने जो भी फाउंडेशन के एप्लीकेशन पर पढ़ाया हुआ है वो एप्लीकेशन के साथ साथ यूट्यूब पर भी मैंने अपलोड कर दिया है। तो नाउन का स्टार्टिंग क्लास से आप पूरा कंप्लीट क्लास कर सकते हैं। चलिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अब सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है, किसी नाउन को हम कब सब्जेक्टिव प्रोनाउन में बोलेंगे और कब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में बोलेंगे, इनका इंपॉर्टेंस क्या है, क्या इंग्लिश में इनका फायदा है। सबसे पहली बात सब्जेक्टिव केस। देखिए, सिंपल सी बात है, जब कभी आपके पास में कोई भी नाउन होता है जो वर्क करता है, इसको हम एक्ट्स एज भी बोल सकते हैं, वर्क एज भी बोल सकते हैं, और क्या सर? सब्जेक्ट। जब कभी कोई नाउन सब्जेक्ट की भूमिका में होता है तो यही नाउन आपके पास में कहलाता है सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस, ये बेसिक सी बात है स्टूडेंट, अगर आपको केयरफुली समझ में आ रही है तो चलो कोई बात नहीं, कुछ भी खास नहीं है, तो आप इसको ज़्यादा माथे पर मत लो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोगों को रामायण का ही पात्र लेके चलता हूँ कि राम का विवाह होता है सीता, राम मैरिज सीता। एक छोटा सा वाक्य मैंने यहाँ पे लिखा। अगर ये सेंटेंस आपके एग्जाम में आता है और आपसे पूछा जाता है कि बताइए सर यहाँ पे राम क्या है, तो आप बोल सकते हैं कि नॉमिनेटिव केस है या फिर सब्जेक्टिव केस है ना। क्या बोलेंगे? नॉमिनेटिव केस है या तो फिर सब्जेक्टिव केस है। तो ये सब्जेक्ट की भूमिका में अभी राम है तब। अब इसी राम को हम ऑब्जेक्ट बना करके आपको जब दिखाएंगे तो वो कहलाएगा ऑब्जेक्टिव केस आपका। चलिए, तो ऑब्जेक्टिव केस के साइड में आइए। When a noun acts as object, जब कोई नाउन जो है ऑब्जेक्ट की तरह काम करे, ये कहलाएगा आपके पास में ऑब्जेक्टिव केस। चलिए, इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव। मतलब सर एक ही नाउन? हाँ जी, एक ही नाउन। कहने का जो मेरा मतलब है उसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जो क्वेश्चन में यहाँ पे फर्स्ट क्लाउज में आपने सीता को ऑब्जेक्ट बनाया था, अब उनको हम सब्जेक्ट बना रहे हैं। अब इनको पैसिव बना देते हैं इज के साथ में। E5 का पैसिव इज प्लस V3 से बनता है। ये बेसिक जानकारी उन बच्चों को होगा जिन्होंने कभी भी वॉइस का क्लास किसी सर के साथ में किया होगा। तो मैंने क्या लिख दिया? सीता इज मैरिड। और देखो मैरिड वर्ड के साथ बाई के बजाय टू लगाने का रिवाज है। अब देखिए राम वहाँ पे जो सब्जेक्ट की भूमिका में थे, अब यहाँ पे पोजीशन के अकॉर्डिंग मेन वर्ब के बाद है। अब मेन वर्ब के बाद जो लिखा गया टर्म होता है उसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो नो डाउट यहाँ पे राम को हम अगर सब्जेक्टिव केस बोलेंगे तो गलत बात होगा, इनको कहना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव केस। क्लियर? तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस का जो बेसिक फायदा है ये है कि क्वेश्चन में आप लोगों को खास करके एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट जो आपके पास होता है वो नॉमिनेटिव केस में होगा। अगर यही पूछा जाए कि जो क्वेश्चन में आपके पास में पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट जो होता है वो फिर ऑब्जेक्टिव केस में होता है। मतलब सर किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है खास करके एक्टिव फॉर्म में वो नॉमिनेटिव केस में है, और वही सब्जेक्ट जब पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट में बदल जाता है तो सब्जेक्टिव केस में बोला जाएगा। तो बहुत ही सिंपल कहानी है, भव की काम के तौर पे जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट है, नॉमिनेटिव केस है, और भव का इफेक्ट जिस पर पड़ रहा है वो ऑब्जेक्ट है। हिंदी भाषा में कर्म बोलते हैं, क्रिया का सेंस जिस पर पड़ता है, इफेक्ट जिस पे पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये तो बेसिकली पता ही है, इसमें ज़्यादा टाइम मत दीजिए, ये कुछ खास नहीं है। मैं तो बस यही कहूँगा, बेसिक सी बात है, फाउंडेशन के कोर्स में पढ़ना जरूरी है, इसलिए मैंने बता भी दिया, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं। आइए, तो जो मेन कहानी है पूरे क्लास में नाउन और केस का वो पॉजेसिव केस पर आधारित है, और इसी में ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाना समझाना मेरे को है। तो आइए सर, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इनका। कोई भी स्टूडेंट को जब हम लोग पढ़ाते हैं पॉजेसिव केस तो बेसिक में क्या क्या चीज़ें उनको सबसे पहले मुझे बताना पड़ेगा। तो आप लोग यहाँ से देख पा रहे होंगे कि पॉजेसिव केस बनाने के दो कॉन्सेप्ट दिख रहे हैं, एक अपस्ट्रॉफे एस या अपस्ट्रॉफे लगाना और दूसरा में ऑफ लगाना। तो पहले तो हम इस बात को आपको सिखाते हैं। देखिए, अगर हम एपिस्ट्रोफे से या एपिस्ट्रोफी की कहानी की बात कर रहे हैं तो इसमें सब्जेक्ट जो आपके पास होना चाहिए वो होना चाहिए लिविंग। अगर सब्जेक्ट आपके पास लिविंग है तब पहली बात, कई बार होता है कि हम लोग लिविंग को इतना ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा कस के पकड़ लेते हैं कि हमेशा लिविंग नाउन में ही एपिस्ट्रोफे लगाएंगे सोच लेते हैं, लेकिन कई बार होता है कि लिविंग से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं। तो हम आगे आपको पढ़ाएंगे, फिलहाल अभी इतनी फोकस करना है कि अगर कोई लिविंग सब्जेक्ट है तो हमको वहाँ पे अपस्ट्रोफे से अपस्ट्रोफे लगाना है। और अगर कभी क्वेश्चन को बनाते समय हमको सब्जेक्ट जो लगता है वो नॉन लिविंग लगता है, नॉन लिविंग यानी निर्जीव, तो वैसे केस में हम अपस्ट्रोफे से नहीं लगा करके ऑफ को लगाना पसंद करते हैं। ये ध्यान देना है आपको। चलिए, अब यहाँ से एक चीज सीखना है कि अपस्ट्रोफे एस का यूज कब करेंगे और अपस्ट्रोफे का यूज हम कब करेंगे, क्योंकि यहाँ भी तो दो चीज है, एक अपस्ट्रोफे एस है तो एक सिर्फ अपस्ट्रोफे है। बहुत ही सिंपल सी कहानी है, आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बनाना होगा। अगर किसी भी वर्ड के साथ में एस का साउंड पहले से है तो सिर्फ अपस्ट्रोफे लगाइए, क्योंकि अपस्ट्रोफे के बाद का एस लगा भी दीजिएगा तो उच्चारण तो होगा नहीं एस का। नहीं समझ में आया? थोड़ा सा देखिए, मेरा कहना ये है, अगर हम यहाँ से बोलते हैं हमने बच्चों के पार्क में थोड़ा सा आराम किया, बच्चे वहाँ पे खेले और हम लोग थोड़ा आराम किए, तो पेरेंट्स हैं यहाँ पे, यानी कि आपके मम्मी और पापा हैं, आपके साथ कहीं जा रहे थे, आपने कहा पार्क चलने का जिद किया, आपको पार्क ले गए, आप वहाँ खेलने लगे और मम्मी पापा थोड़ा देर चेयर वगैरह पे बैठ के, बेंच वगैरह पे बैठ के आराम किए। पार्क किन का था सर? बच्चों का। तो बच्चों का पार्क कहने का मतलब है कि एक से ज़्यादा बच्चे होंगे वहाँ पे, तो चिल्ड्रेन हो गया, पार्क हो गया, लेकिन हिंदी में आपको बोलना है बच्चों का पार्क। अभी का बोलने के लिए अपस्ट्रोफे से काम चलेगा। आपने अपस्ट्रोफे लगाया, ये दिख तो रहा है, बोलते समय दिखेगा, ओके, नहीं दिखेगा तो हमें कैसे पता चला कि आप चिल्ड्रेंस बोल रहे हो कि चिल्ड्रेन पार्क बोल रहे हो? चिल्ड्रेंस पार्क बोलना पड़ेगा। यहाँ पे एस पहले से वर्ड के साथ नहीं लगा हुआ था तो हमको एस लगाना पड़ेगा, लगा दीजिए, तो हो गया चिल्ड्रेंस पार्क। अब मैं कहता हूं कि बाय द वे आप लोगों को हॉस्टल में रखवाने के लिए पापा ले गए और आप हैं पुरुष वर्ग के बॉय, है ना, बॉय मतलब लड़का। बताइए, एक हॉस्टल में एक विद्यार्थी, एक हॉस्टल में एक से ज्यादा बॉय, इसका मतलब पहले बॉय बोलना सही है कि बॉयज? अब आपका सवाल जवाब से समझ में आ रहा होगा कि हाँ सर बॉयज बोलना पड़ेगा, तो पहले बॉयज तो मैंने लिख दिया। अगर हम यहाँ पे एपॉस्ट्रोफी लगाएंगे तो अभी भी पढ़ रहे हैं क्या, बॉयज हॉस्टल, एस लगा लेते हैं, एस को लगा लेते हैं। आप पढ़ के सुनाइए। कहेगा सर आप पढ़ ही नहीं पाओगे एस को, बॉयज ये क्या हो रहा है, सांप वाला साउंड, यानी ये जो हिस साउंड है, सांप वाला साउंड है, ये बताता है कि आप कुछ गड़बड़ कर रहे हो। यानी कि यहाँ पे एपॉस्ट्रोफी तो लगेगा लेकिन एपॉस्ट्रोफी के बाद जो एस आप लगा रहे हो ये नहीं लगेगा। सिर्फ क्या सही है, बॉयज हॉस्टल, एपॉस्ट्रोफी के। निष्कर्ष ये निकलता है कि एपॉस्ट्रोफी एस तब लगाएंगे जब उस वर्ड के साथ एस साउंड एब्सेंट रहने पर, मतलब पहले से नहीं है। लेकिन अगर किसी वर्ड में पहले से ही एस साउंड है तब हम उसमें एस लगाकर उसका बेइज्जती एस का नहीं करें। ठीक है, तो चलिए आपके पास ये दो बेसिक एग्जाम्पल्स तो हो ही गए हैं। थोड़ा सा एग्जाम्पल हम आपको और देना पसंद करेंगे, आप लोग लिखना अगर पसंद करेंगे तब। चलिए, तो सबसे पहले आपको यहाँ से थोड़ा सा और एग्जाम्पल हम देते हैं। चलो सर गर्ल हॉस्टल की ही बात करते हैं। अब कहोगे सर हॉस्टल है तो एक से ज़्यादा लड़कियां होंगी, तो गर्ल हॉस्टल का मतलब एक से ज़्यादा लड़कियां होंगी। इसका मतलब है कि पहले गर्ल में क्या लगाना पड़ेगा, एस। जब एस लगाएंगे तब होगा लड़कियों की संख्या एक से ज़्यादा, गर्ल्स हो गया। अब इसके बाद हम लड़कियों का हॉस्टल बोलना चाहते हैं तो का के लिए एपॉस्ट्रोफी ए भी लगाना पड़ेगा। ऑलरेडी इसमें एस साउंड है तो एस लगाना एपॉस्ट्रोफी के बाद नहीं है। चलिए अब यहाँ से देखिएगा, अगर हम महिला कॉलेज की बात करते हैं तो किसी भी कॉलेज में एक से ज़्यादा महिलाएं होंगी, तो वोमेन का प्लूरल वोमेन हो गई, तो वोमेन प्लूरल हो गया। क्या इसमें एस साउंड है पहले से, तो महिलाओं का विद्यालय बोलने के लिए यहाँ पे एपॉस्ट्रोफी भी लगाएंगे और उसके साथ में एस भी लगाएंगे, तब जाके होगा वोमेन्स कॉलेज। चलिए, हो गया यहाँ तक कहानी कंप्लीट। ओके स्टूडेंट, तो हम लोगों ने अब तक ये सीखा कि एपॉस्ट्रोफी एस और एपॉस्ट्रोफी में भी अंतर है। एस साउंड रहने पर हम सिर्फ एपॉस्ट्रोफी लगाते हैं और एस साउंड नहीं है तो एपॉस्ट्रोफी के साथ एस भी लगा लेते हैं, ये बात होती है। कोई इसको सिंगुलर प्लूरल से नहीं समझेंगे, अगर आप सिंगुलर प्लूरल से समझ रहे हैं तो आप गलत समझ रहे हैं, फिर होगा गड़बड़ आपका। यहाँ पे वोमेन प्लूरल नहीं थी, क्या प्लूरल ही ना थी, फिर भी एपॉस्ट्रोफी एस लगा। आपको देखना है कि एस है तो एस नहीं लगाएंगे, एस नहीं है तो लगा देंगे, बस इतनी सी बात है। चलिए, अब उसके बाद है कहानी किसका, ऑफ को ऑफ लगाना है नॉन लिविंग के लिए। एकदम सिंपल सी कहानी है, बस इसमें यह ध्यान देना है आपको कि सब्जेक्ट हमेशा ऑफ के पहले रहेगा। जैसे मैंने कहा कि गाँव की सड़क, तो गाँव की सड़क अगर आप बोलना चाहते हो तो विलेज रोड आपका गलत हो जाएगा। क्यों सर, ना तो रोड ना तो गांव को हम सजीव मानने वाले हैं, तो हमको लिखना पड़ेगा इसको, भैया सबसे पहले क्या चर्चा में है, रोड। रोड लिखो, किसका, तो विलेज का, तो ऑफ विलेज। यानी कि जब बात हमारे पास गांव के सड़क की हो रखी है तो भैया क्वेश्चन में सड़क है चर्चा का विषय, उसको पहले रखना है। ऑफ वाले में ये ध्यान देना है कि जो सब्जेक्ट है वो ऑफ के पहले रहेगा। चलो नेक्स्ट में एक एग्जाम्पल और बनाते हैं। अगर हम बोलते हैं कि सिंपल सी बात है सर, किसी भी पंखे के जो फैन के हैंड होते हैं उनकी बात करते हैं, फैंस ब्लेड। आप ही बताओ पंखे का जो ब्लेड है, जिसको आप लोग अपनी भाषा में न जाने क्या क्या नाम देते हो, इंग्लिश में उसको ब्लेड्स कहते हैं। तो जब हम ब्लेड्स की बात कर रहे हैं तो चर्चा का विषय ब्लेड्स है, तो पहले हमको लिखना पड़ेगा द ब्लेड्स, उसके बाद ऑफ लगाना पड़ेगा। फैन लिखो या तो द फैन लिखो, ये आप पर मैं छोड़ता हूँ। तो क्वेश्चन में यही ध्यान देना है कि ऑफ लगाना है नॉन लिविंग के लिए, तो एस वगैरह एपॉस्ट्रोफी एस वगैरह भी मिक्स कर देगा कई बार, उसको कंट्रोल करना नहीं चलेगा सर। ठीक है, यानी कि अगर हम एक क्वेश्चन आपको देते हैं स्टूडेंट तो समझ जाओगे आप शायद। लो आपके लिए एक क्वेश्चन है, माई बुक्स कवर बताओ गलत है कि सही। अब आपका होगा जवाब सर गलत तो है, तो लिखो ना सर सही। द कवर ऑफ आई, यानी कि जब नॉन लिविंग की बात हो रखी है तो नो डाउट आपको एपस्ट्रोफे तो खैर नहीं ही लगाना है और उसके साथ में कॉम्बिनेशन में प्रीपोजिशन ऑफ लगाना है। क्लियर। तो ये था पॉजेसिव केस का सबसे बेसिक क्लास। अगर आप कहीं भी पढ़ाई करते हो तो टीचर आपको ये सारी चीज़ें ज़रूर बताते सिखाते हैं। आगे का सेशन हम देखते हैं कि आप लोगों के पास में क्या है। स्पेशल नोट्स है कंपाउंड पोजेशन का। ये बढ़िया क्वेश्चन है। अगर कभी हम देखते हैं एक से ज़्यादा नाउन के बीच में संबंध, कंपाउंड का मतलब कितना, दो लोगों का, तो दो लोगों के बीच का जब रिलेशन बताना है तब हमको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। क्या क्या सीखना है ये देखो। एपिस्ट्रोफे एस इज अप्लाइड टू द नियरेस्ट। अब जिनको नहीं पता चलता है उनके लिए हम लिख देते हैं सेकेंड। कंडीशन क्या है, एपिस्ट्रोफे एस को नियरेस्ट में ऐड करना है, नियरेस्ट नाउन में ऐड करना है या सेकेंड नाउन में ऐड करना है। कब? अगर आपको सिंगल पोसेशन बताता है तब। सिंगल पोसेशन इज एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड, मतलब सिंगल पोसेशन बताना है तब। जैसे देखिए मैंने एग्जाम्पल आपको देना है, ऋतिक रोशन। अब ऋतिक रोशन की कहानी पुरानी हो चुकी है अभी, तो भाई अगर आप लोग जानते हैं कंफर्म है तो हार्दिक एंड बताइए उनकी वाइफ का नाम पता है? चलिए पता तो होगा, नहीं पता है तो फिर तो दिक्कत होगा। तो आप लोग जिनका जानते हैं उन्हीं का बताइए। अब यहाँ से रामलाल कर देते हैं एंड, अब रश्मिका कह देते हैं। अब देखो रामलाल के साथ रश्मिका शादी करेंगी तो कितना दिन चलेगा, नहीं। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे डिवोर्स की बात, चलो कोई सोशल एग्जाम्पल नहीं दे करके नॉर्मल एग्जाम्पल लेके चलते। आप लोगों को रश्मिका पसंद अगर होंगी तो समझ में आ भी जाएगा ज़्यादा। तो क्वेश्चन में रामलाल एंड रश्मिका डिवोर्स की कहानी है, तो अब अगर ये दोनों पति पत्नी है तब तो डिवोर्स हो रहा है। तो क्वेश्चन में ये जो यहाँ पे यूनिट है डिवोर्स, ये सिंगल है, ये दोनों का कॉमन है। यही मैं बता रहा था कि अगर सिंगल पोसेशन कॉमन पोसेशन की बात हो रखी है तो हमको एपिस्ट्रोफे एस लगाने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन कहाँ पे, नियरेस्ट वर्ड में या सेकेंड नाउन में। तो रामलाल के साथ नहीं, कहाँ पे लगाना होगा, रश्मिका। अब दोनों जगह लगाइएगा तो गलत हो जाएगा। यही चीज़ आज के क्लास का सबसे बेसिक है और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जब कभी एंड से जुड़े हुए दो नाउन के बीच में रिलेशन या पोजीशन बताना है तो आपको देखना है कि बात हो रही है तो किसकी, सिंगल की बात हो रही है, सिंगल पोजीशन की, तब हम नज़दीक वाले में लगाएंगे। थोड़ा सा एक एग्जाम्पल और देख लेते। बेसिक एग्जाम्पल आपके क्लास में सबसे ज़्यादा मोहन और रोहन ही फेमस हैं, तो लगते हैं इन्हीं। अब इन दोनों ने खुलवाया था बैंक में जाकर के अकाउंट, जो कि था दोनों का कॉमन। अब आप ही बताइए स्टूडेंट, ज्वाइंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जो एक ही होता है लेकिन दोनों का होता है, 3 लोगों का, 4 लोगों का भी हो सकता है लेकिन मिनिमम 2 लोगों का होता है। अब इसका मतलब अकाउंट कितना, एक ही है। तो जब क्वेश्चन में फिर से ज्वाइंट अकाउंट से पता चल रहा है कि एक ही यूनिट है दोनों मिला जुला करके, तो इसमें भी एपिस्ट्रोफे ऐसा मोहन में नहीं रोहन में लगाएंगे, सेकेंड वाले नाउन में या नियरेस्ट में लगाएंगे। तो ज्वाइंट अकाउंट किसका, मोहन और रोहन का। शॉर्ट में इसको समझ सकते हैं ना कि जहाँ पे का हिंदी होता है ना उसी में लगा देते हैं। तो मोहन और रोहन का, रोहन में साथ में का जा रहा है तो रोहन के साथ लग रहा है। बस इतना सा बेसिक सा बात समझ में। चलिए अब जो दूसरा कॉन्सेप्ट है आपके पास में वो आइए। तो पहला कॉन्सेप्ट समझ गए कि एपिस्ट्रोफे एस आपको जो होगा वो दोनों में लगाना पड़ेगा, टू बोथ नाउन। कंडीशन आपको पता है, इफ डिफरेंट, इसको सेपरेट भी कर सकते हो, अलग अलग या तो फिर डिफरेंट या तो सेपरेट। पोसेशन आपको बताना है तब। अब ये कैसे पता चलेगा, बहुत ही सिंपल है, जरूर पता चलेगा, थोड़ा सा धैर्य रखिए समझ में आएगा। देखिए सबसे पहली बात है एग्जाम्पल में ये, जैसे मैंने कह दिया रानी एंड, रोहिणी, ठीक है, और उसके बाद हस्बैंड की। अब देखो ये मत कहना कि सर दोनों के हस्बैंड एक ही व्यक्ति नहीं हो सकते हैं, एक व्यक्ति ने दोनों से शादियाँ नहीं कर रखी हो सकती हैं। देखो होने का तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैंने आपको थोड़ा बांधने का कोशिश किया और मैंने यहाँ पे हस्बैंड में क्या लगा दिया, एस लगा दिया। इसका ये बात तो क्लियर हो गया कि हम रानी और रोहिणी दोनों के अलग अलग पतियों की बात कर रहे हैं। चलो अब मुझे एक बार जब यहाँ से समझ में आ गया कि दोनों के अलग अलग पति होंगे तो हमको बोलना पड़ेगा रानी के पति और रोहिणी के पति, तो हमको दोनों में अपॉस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे दो यूनिट की बात हो रही है, ये दो लोगों की बात हो रही है, इसलिए। ठीक है, तो जब हम अलग अलग सेपरेट पोजीशन की बात करते हैं तो दोनों में अपॉस्ट्रोफी एस लगाना है। अब देखो थोड़ा सा मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ कुछ अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन की ओर में, तब क्लियर होगा ज़्यादा। मान लो कि कल के डेट में क्वेश्चन आता है इंडिया एंड पाकिस्तान, और उसके बाद यहाँ पे मैंने लिख दिया रिप्रेजेंटेटिव, आप ही मुझे बताइए क्वेश्चन में भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों की बात हो रही है। प्रतिनिधियों की जब बात हो रही है तो भारत का और पाकिस्तान का दोनों को अलग अलग प्रतिनिधि दल होगा, दोनों अपने अपने कंट्री से अलग अलग लोगों को भेजेंगे। जब अलग अलग लोगों को भेजने की बात हो रही है, प्रतिनिधि अलग अलग हैं, इसका मतलब पोजीशन भी अलग अलग हमको दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे इंडिया में भी अपॉस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा और पाकिस्तान में भी अपॉस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा। अब ये मत बोलना कि इंडिया और पाकिस्तान को निर्जीव मानेंगे और ऑफ लगाएंगे, ये गलत बात है। आपको पोसेसिव में दोनों में कॉमन है, आराम से लगा सकते हैं। भारत और पाकिस्तान के जो प्रतिनिधि हैं कोई व्यक्ति ही तो होंगे, अब व्यक्ति का मतलब सजीव होंगे, तो ऑफ लगाने का तो सोचना भी मत। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी कि जब भी क्वेश्चन में कंपाउंड पोजीशन रहेगा तो दोनों में लगाएंगे और जब सिंगल पोजीशन रहेगा तो सेकंड वाले में लगाएंगे। ये बात आपको गांठ बांध लेनी है, क्लियर कर लेना है। आइए उसके बाद हम आज के क्लास में आगे आपको लेके चलते हैं पोजेसिव केस फॉर कंपाउंड वर्ड्स। ये कंपाउंड वर्ड्स की बात है, वहाँ तो कंपाउंड पोसेशन ही था, अब कंपाउंड वर्ड्स की बात करते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ, जैसे देखो डायरेक्ट एग्जाम्पल ही आपको मैं सिखाता हूँ। जैसे मैंने कहा कि चलिए सर आपकी शादी हो रखी है और आपके फादर इन लॉ बिजनेस में और इनके ऑफिस की बात करनी है, इसकी बात करनी है स्टूडेंट ऑफिस की। आपने कहा कि मेरे फादर इन लॉ का ऑफिस है ना, फादर इन लॉ का ऑफिस, तो यहाँ पर देखिए जो ऑफिस है ये मेन वर्ड है, यहाँ पे जो चर्चा का विषय है वो मेन नाउन आपके पास में ये। अब इसको हमको बनाना है क्या चीज़, पॉजेसिव। तो हमको यहाँ पे ध्यान ये देना पड़ेगा कि कभी भी हम अपॉस्ट्रोफी एस यहाँ पे नहीं लगाएंगे। कई बार होता है कि ऑप्शन में आपको यहीं पे लगा देगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या सिखाया था, सबसे अच्छा तरीका है कि अपॉस्ट्रोफी एस वहाँ लगाओ जहाँ पे काका हिंदी होता है। ये क्या होगा, मेरे फादर इन ला का ऑफिस, काका मतलब ला के साथ जा रहा है तो ला के ही साथ में अपॉस्ट्रोफी एस लगा दो, हो गया काम आसान। तो क्वेश्चन में जो अपॉस्ट्रोफी एस की कहानी हमको लेनी है वो यहाँ पे लगाएंगे। चलो नेक्स्ट एग्जांपल एक और देखते हैं। ऑफिस को कॉमन ही रहने देते हैं ताकि हमारा ध्यान ऑफिस पे ना रहे, ये मेन नाउन है और यहाँ पे स्टेपसन जो है वो आपका रिलेशन वर्ड कंपाउंड वर्ड है। कंपाउंड वर्ड का मतलब दो शब्दों से या दो से ज़्यादा शब्दों से मिलकर जो बनेगा उसे कंपाउंड वर्ड बोलेंगे। तो हमको अब यहाँ पे समझना है कि क्वेश्चन में स्टेप में अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे तो कोई भी हल्ला करेगा कि नहीं भाई ऐसे नहीं, तब होगा क्या स्टेप सन्स ऑफ, हो गया। यानी कि जब भी हमारे पास में कोई कंपाउंड वर्ड दो तीन शब्दों से मिलकर कोई वर्ड बनेगा तो यहाँ भी कह सकते हैं कि लास्ट वाले वर्ड पे, लास्ट वाले टर्म पे, लास्ट वाले कॉम्बिनेशन में, लास्ट वाला जो एलिमेंट है उसमें अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे। चलो एक और देखते हैं। कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ, और इनका क्या आया, ऑर्डर आया। अब आपसे मैं बात करता हूं कि ऑर्डर का मतलब आदेश होता है, ऑर्डर जो है इनका है, तो भाई इसका जो ब्लास्ट वर्ड है वो कमांडर वर्ड नहीं है, तो हम कमांडर के साथ में कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। और ऐसे भी आपको यहाँ हिंदी है ना, कमांडर इन चीफ का ऑर्डर, तो चीफ के साथ अपस्ट्रोफ एस लगाएंगे तब जाके क्या होगा, सही होगा। तो अगर आप कॉन्सेप्चुअली बात करते हैं तो कॉन्सेप्ट आपके पास में ये आया। चलिए कंपाउंड वर्ड में क्या हुआ जो बताओ। पी अप्लाई हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं अपस्ट्रोफे एस टू द लास्ट वर्ड, टू द लास्ट वर्ड या टर्म ऑफ अ कंपाउंड नाउन। अगर कोई दो शब्दों या दो टर्म से ज़्यादा टर्म से बनेगा तो उस नाउन को कहेंगे कंपाउंड नाउन, और उस कंपाउंड नाउन के कहाँ पे लगाएंगे आप लोग, लास्ट में अपस्ट्रोफ एस लगाएंगे। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा आपको केयरफुली माइंड करना है। तो कंपाउंड वर्ड के साथ में पोसेसिव लगाने का ये था कॉन्सेप्ट, ये था तरीका जिसे हमने आपको सिखा दिया। चलिए अब चलते हैं आगे। देखिए स्टूडेंट, जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ता है चीज़ें हमारे पास में सॉर्ट आउट होती चली जाती हैं और फिर आसान होती चली जाती हैं। अब ये सबसे आसान सेक्शन है। क्या हेडिंग आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, स्पेशल नोट्स अबाउट इडियम्स विद अपस्ट्रोफ एस, मतलब कुछ ऐसे भी मुहावरे हैं जिनमें हम लास्ट में अपस्ट्रोफ एस देखते हैं। तो चलिए थोड़ा सा आप लोगों के लिए जानकारी है तो बहुत अच्छा, नहीं तो उल्लू बन जाओगे। जैसे मम्मी कहती हैं कि अरे बउआ आज क्या हो गया है तुमको, आज तो तुम्हारा बुद्धि नहीं काम कर रहा है। तो इस मुहावरे में अपस्ट्रोफे एस का ज़रूरत था। जहाँ पे आप एस देख रहे हो ये एस इस अंदाज में लिखना गलत था। आपका मुहावरा होता है एट वंज बीट सिंह, इसी को हिंदी भाषा में कहते हैं बुद्धि का काम ना करना। बुद्धि का काम ना करना यानी इंग्लिश भाषा में कहते हैं गेट पजल्ड और कन्फ्यूज, बुद्धि का काम ना। तो अगर आप ये मुहावरा जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो आपको नोट करना पड़ेगा। At an arm length, देख लो सर कहने वाला क्या कहना चाह रहा है। कहने वाला कहना चाह रहा है कि कभी भी जब हम बोलते हैं ना कोई आदमी को कि देख भाई तुम नहाता वहाता नहीं है, तुम हमसे एक बाह का दूरी बना के बैठना, बहुत बास आता है। अब ऐसे सेंस में जो ये एक बाह का दूरी बनाना है इसका इडियम्स है आपके पास एट एन आर्म्स लेंथ। तो यहाँ पे जो आर्म वर्ड है इसमें अपस्ट्रोफे एस लगता है, जिसका मतलब होता है सर कि आप दूरी बना रहे हो सामने वाले से, कीप डिस्टेंस। चलो हो गया। नेक्स्ट इडियम्स आपके पास है आफ्टर, वन, ऑन, बट। अब कहोगे सर आप तो मुझे एक ट्रिक दे रहे हो कि जहाँ पे वन दिखाई पड़ रहा है आप उसमें अपस्ट्रोफ एस लगा दे रहे हो। ये तो प्रोनाउन के क्लास में भी सर पढ़ाए थे कि वन का पॉजेसिव वंज होता है अपस्ट्रोफ एस लगाकर। हाँ बिल्कुल, तो वंज वाला छोड़ेंगे हम लोग, क्यों लिखते रहेंगे वन वाला, जब हमको लॉजिक समझ में आ गया कि वन जहाँ पे दिखेगा उसके बाद कोई नाउन अगर है तो वंज हो जाएगा अपस्ट्रोफ एस के साथ। मैक्सिमम इडियम्स इसी से आते भी हैं। तो चलो सर आफ्टर वंज ऑन हर्ट, हिंदी होगा पसंद आने पर, हिन संबन, ठीक है, भेन संबंध क्या स्टूडेंट, लाइक अगर कोई आदमी किसी काम को पसंद करता है तो बोलता है कि हाँ सर हम ये काम करेंगे, बस हमारा इस पे दिल तो आए, पहले हमें ये पसंद तो आए। ठीक है, तो मैं आप लोगों को होमवर्क देता हूँ कि आप क्या करेंगे कि कुछ जो इडियम्स हैं जिनमें अपस्ट्रोफ एस लगा हुआ देखते हैं आप, उनको यहाँ पे राइट डाउन आप करेंगे। कम से कम 3 से 4 इडियम्स, 5 इडियम्स और इसमें ऐड करेंगे। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपका कलेक्शन तैयार होगा। तो आते हैं स्पेशल नोट इडियम्स विद अपस्ट्रोफ एस की कहानी के बाद आगे। अच्छा इतना ही था? नहीं, इतना ही नहीं था। अपस्ट्रोफ एस और भी जगहों पर लगता है, अब ये बात हमको सिखाना पड़ेगा आपको। तो कोई बात नहीं, उसके लिए मैंने कोई स्लाइड नहीं लिया है तो हम आपको सिखाते हैं स्पेशल स्लाइड लेके। चलिए देखिए क्या सिखाना है मुझे को। अपस्ट्रोफे जो एस आपके पास में है ये हम अप्लाई कर सकते हैं, लगा सकते हैं। और मैंने यहाँ लिख दिया है मस्ट बी एडेड। मस्ट बी एडेड का मतलब जरूर लगाओ। कंडीशन क्या है? सबसे पहली बात, अगर कभी क्वेश्चन को बनाते समय आपको क्वेश्चन में सेंस आता है पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन सेंस इज गिवन। अब जिनको नहीं समझ में आता है पर्सोनिफिकेशन क्या होता है उनको सीखना पड़ेगा। मतलब सर अगर कहीं भी क्वेश्चन में कोई भी ऐसे नाउन को रिप्रेजेंट करना है जो नॉन लिविंग लग रहा है लेकिन उसका गुण उसका क्वालिटी आदमी जैसा लग रहा है तो वो आदमी ही है, वस्तु नहीं है। जैसे बहुत ही सिंपल सी कहानी है, आप कहते हो कि भाई दिल्ली की जनसंख्या बढ़ रही है, तो अगर आप कहते हो कि दिल्ली की जनसंख्या बढ़ रही है तो दिल्ली की जनसंख्या बढ़ रही है तो कैसे? अरे बाबा दिल्ली की जनसंख्या कैसे बढ़ गई? तो अगर मैं बोलूं कि नहीं सर दिल्ली में हमारी जनसंख्या ना बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ाने में योगदान हम लोग का और बदनाम दिल्ली को कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर आप गलती से लिखते हो द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया तो ये गलत होगा। द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली यहाँ पे अगर आप लिखोगे तो क्या होगा? गलत। आपको सही आंसर करना होगा मार्किंग क्या? दिल्ली पॉपुलेशन, क्योंकि जनसंख्या दिल्ली का नहीं बढ़ रहा है, दिल्ली में हम लोगों ने ही संख्या बढ़ाने का योगदान दिया है ना, तो दिल्ली की जनसंख्या पर्सोनिफिकेशन पर्सन से इंस्पायर्ड है, इसलिए क्वेश्चन का आंसर होगा दिल्ली पॉपुलेशन। अब देखो बाय द वे कहते हो कि भारत की संस्कृति इंडियाज कल्चर, आप ही बताओ सर क्या इसको लिख सकते हैं कल्चर ऑफ इंडिया? तो मेरा जहाँ तक अपना एक एक्सपेरिमेंट है कि क्वेश्चन में जब इंडियाज कल्चर की कहानी आती है तो कल्चर ऑफ इंडिया गलत होगा। क्यों? भारत की संस्कृति थोड़े होती है, भारत के लोगों की होती है। भारत के लोग क्या पहनते हैं, क्या मनाते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे लोगों से मिलते जुलते हैं, ये उनके कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। तो मुझे जहाँ तक आइडिया है कि भैया ये आपका फिर से आदमी का ही योगदान है, इसमें फिर से कंट्री का कोई बात नहीं है, इसलिए आंसर होगा इंडियाज कल्चर। क्या बोलेंगे? इंडियाज कल्चर। कोई डाउट यहाँ पे नहीं होना चाहिए। चलो ये था पर्सोनिफिकेशन का कहानी। एक चीज आपको मैंने सिखा दिया। अब देखिए एक के बाद दूसरा कॉन्सेप्ट। क्या मैंने सिखा दिया? पर्सोनिफिकेशन। दूसरा नंबर आपके पास में ये रहा, ए लिखे थे तो बी लिखेंगे, बस ये देखना था। तो बी में आपको मैं सिखाता हूं ये, अगर कभी क्वेश्चन को पढ़ते हो और क्वेश्चन में कोई ज्योग्राफिकल ऑब्जेक्ट आता है तो इसमें भी अपस्ट्रॉफे एस की कहानी ऐड करो। कोई भी ज्योग्राफिकल ऑब्जेक्ट है तब। अब थोड़ा सा इसी को हम सी पॉइंट को भी यहाँ पढ़ा देते हैं। अगर हमारे पास में कोई हेवेनली ऑब्जेक्ट है, इसमें भी अपस्ट्रॉफ एस लगा दो। मतलब धरती पर की वस्तु या स्वर्ग की वस्तु, दोनों में अपस्ट्रॉफ एस लगा दो। जैसे एग्जाम्पल, अगर हम बोलते हैं गंगा की पवित्रता की बात हो रही है ना, गंगाज प्योरिटी। क्यों सर? ये धरती पर की वस्तु है। अगर हम हिमालय की बात करते हैं, हिमालयाज स्ट्रेंथ, हिमालय की ताकत, तो हिमालय भी यहाँ पे आपके पास जो है क्या है? ज्योग्राफिकल चीज, पूरे धरती पर का बहुत बड़ा चीज है। आप एपस्ट्रॉफी लगा करके काम करो क्योंकि ये साउंड ऑलरेडी है इसमें। अगर हम यहाँ से बात करना शुरू करते हैं धरती के क्रस्ट की बात, धरती के क्रस्ट यानी कि उन लेयर की जिसके अंदर हम लोग मेटल्स वगैरह पाने की बात करते हैं, तो यहाँ पे अर्थ क्रस्ट जब लिखोगे स्टूडेंट तो यहाँ धरती का मतलब अर्थ क्रस्ट होगा। मान लेते हैं समुंदर को भी गुस्सा आता है, ओशियंस फ्यूरी। समुंदर भी धरती पर है, ओशियंस फ्यूरी। चलो अब जब चीजों को समझ रहे हैं तो छोड़ते हैं, अब हेवेनली ऑब्जेक्ट की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या है? तो हेवेनली ऑब्जेक्ट में मैंने आप लोगों को कहा कि मान लेते हैं सूरज से स्टार्ट कर। अब सन्स रेज, सूरज की किरणें, तो भैया यहाँ पे सन में अपस्ट्रॉफ है। क्यों? क्योंकि ये आपका धरती पर से भी बड़ा है, धरती से बहुत बड़ा है। तो आदमी का जो छोटा सा ये जीव हम लोग हैं, इसके तुलना में सूरज का तो कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। तो ये हम लोगों से इतना बड़ा है कि हम अपना जब यूज करते हैं तो अपस्ट्रोफेस लगाते हैं। इसको नॉन लिविंग वस्तु थोड़े मान लेंगे, इसको नॉन लिविंग नहीं मानेंगे और इसी वजह से अपस्ट्रोफे एस लगाएंगे, ऑफ नहीं। यानी द रेज ऑफ द सन गलत है। अब हम चांद की शीतलता की कहानियाँ सुनते हैं तो मून्स ट्रैंक्विलिटी, क्योंकि चांद भी जो है वो हेवनली ऑब्जेक्ट है, इसके लिए यही लगाओ। अगर हम गलती से कोई भी वर्ड ले लें जो ज्योग्राफिकली मतलब स्वर्गिक वस्तु के सेंस में है, कोई भी प्लैनेट का नाम, तो वैसे केस में फिर से हमको यही लगाना पड़ेगा। जैसे मार्स का सरफेस, तो मार्स सरफेस। अब इसमें एस का साउंड आ रहा है तो आप चाहें तो अपस्ट्रॉफे लगा के छोड़ सकते। तो जब कभी कोई ज्योग्राफिकल या हेवनली ऑब्जेक्ट आएगा तो कोशिश यही करिएगा कि उसमें भी अपस्ट्रॉफे एस लगाइएगा। यानी कि सजीव के अलावा तीन चीज़ें आपको मैंने सिखाई, पर्सोनिफिकेशन, हेवनली ऑब्जेक्ट, ज्योग्राफिकल ऑब्जेक्ट। एक चीज़ और सिखाते हैं, देखिए कई बार आपके पास ये होगा AWDHSP और इसके साथ भी अपस्ट्रॉफेस लगाना। अब जिनको नहीं पता है उन स्टूडेंट के लिए अमाउंट हो गया ए का मतलब, W बोले तो वेट है, D बोले तो डिस्टेंस है, H का मतलब हाइट है, S का मतलब स्पीड है और P का मतलब पीरियड ऑफ टाइम है। जब भी ये सब हमको दिखाई पड़ते हैं इन सभी में अपस्ट्रॉफे S लगाना है, ठीक है। चलो आपके जो इडियम्स वगैरह होते हैं ना उसमें भी मैक्सिमम इसी से यूज किए जाते हैं टर्म्स, इसीलिए हम लोग अपस्ट्रॉफे एस लगाते हैं। जैसे अमाउंट का मतलब करेंसी की बात हो रही है, पेमेंट की बात हो रही है, तो मैंने लिख दिया मान लेते हैं 3 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट। बताइए सर प्रोजेक्ट तो एक ही है ना, ये प्रोजेक्ट कितने का है? 3 करोड़ का, तो 3 करोड़ प्रोजेक्ट, करोड़ में अपस्ट्रॉफे एस लगाना पड़ेगा। चलिए देखें आगे चलें। हाँ तो अमाउंट की बात है तो मैंने एग्जांपल दिया ना, WEIGST वेट की बात करते हैं, ठीक है। साउंड थोड़ा कम गया था आप लोग का, साउंड मैनेज कर दिया मैंने। देखिए तो वेट की बात करते हैं, मान लेते हैं कि कोई हाथी है 10 टन का। आप बताइए 10 टन हाथी बोलिएगा तो नहीं लगेगा कि हाथी का मांस बेचने का आप कारोबार कर रहे हैं, जो गलत बात है। तो होना चाहिए एक हाथी 10 टन का, तो 10 टन एलिफेंट। डिस्टेंस की बात करते हैं, चलिए बाय द वे 10 माइल्स और उसके बाद जर्नी लिख देते हैं। तो ये जो जर्नी है 10 मील का है, तो माइल में अपस्ट्रॉफे लगाइए। हाइट की बात कर रहे हो तो चलो चलते हैं 6 फुट और उसके बाद मैन ही लिख दो। अब देखिए एक आदमी है 6 फुट का, तो फुट में अपस्ट्रॉफे लगाओ। स्पीड की बात कर रहे हो तो लिख लो, चलो बाय द वे 100 लिखते हैं तो 100 लिखते हैं। किलोमीटर पर आवर और उसके बाद स्पीड, कुछ नहीं है, सब क्वेश्चन बनाना बहुत ही सिंपल। तो क्या लिखना चाह रहे हैं? 100 किलोमीटर प्रति घंटे का स्पीड। पीरियड ऑफ टाइम का उदाहरण देख लो, 5 ईयर स्कीम। अब एक स्कीम है कितने साल का सर? 5 साल का। 5 सालों का मत बोल दीजिएगा, गाली पड़ जाएगा, साला समझते हैं ना। तो ए 5 ईयर्स स्कीम, 5 साल का स्कीम। तो हम लोगों ने देखा कि अवध से पहले यानी अब का अमाउंट, वेट, डिस्टेंस, हाइट, स्पीड, पीरियड ऑफ टाइम जैसे टर्म्स के साथ भी एपिस्ट्रोफे एस का ही सिस्टम है। ओके, तो ये था एपिस्ट्रोफे एस का कंप्लीट पैकेज। अब है कुछ क्वेश्चन, प्रैक्टिस कर लीजिए तो सेशन होगा पूरा, और हमें और आप दोनों को मिलेगा नाउन से पूरी तरह से छुटकारा। देखिए, कह रहा था कि एपिस्ट्रोफे एस या एपिस्ट्रोफे लगा करके आपको पोसेसिव बनाना है। एक बात इसने पहले ही क्लियर कर दिया कि ऑफ कहीं लगाना नहीं है। बिल्स ब्लू कार, किसका ब्लू कार? बिल्स का। तो बिल कोई व्यक्ति का नाम है अगर अंग्रेज है तो बिल में एपिस्ट्रोफे एस बिल्कुल सही था। तो पहला सेंटेंस इन्होंने लगा करके दिया है, तो पहला सेंटेंस सही था, करेक्ट। दूसरा में मिस्टर जॉन का सेक्रेटरी, तो मिस्टर जॉन में लगाएंगे एपिस्ट्रोफे एस। दे सेल्स लेडीज क्लॉथ्स, वे लोग क्या बेचते हैं? महिलाओं के लिए क्लॉथ्स। तो महिलाओं का इंग्लिश में लेडीज लिख दिया है, सिर्फ क्या लगा देंगे? एपिस्ट्रोफे, है ना, लेडीज क्लॉथ। ये ब्लैंक स्पेस में कुछ और नहीं भरना था, वो बस डिस्टेंस दिया गया है समझने के लिए। डॉक्टर के बच्चों की बात हो रही है, डॉक्टर के बच्चों की बात। तो डॉक्टर सिंगुलर नाउन, बिना एपिस्ट्रोफे के नहीं, साथ साथ एस भी, है ना, क्योंकि एस साउंड इसमें नहीं था। डॉक्टर्स किड। अब यहाँ कह रहा है कि भाई उन महिलाओं का या महिलाओं के बॉयफ्रेंड्स की बात हो रही है, ले लीजिए सही। ऐसे बोलिएगा तो भाई भारत में तो लड़ाई बड़ाई हो जाएगा, लेकिन चलो बोल दिया तो बोलने दो। महिलाओं के बॉयफ्रेंड्स की बात हो रही है, तो महिलाएं बिना एस साउंड की हैं, तो एपिस्ट्रोफे प्लस एस, है ना। तो आपका हो गया द वोमेन्स बॉयफ्रेंड। आइए 5-6 क्वेश्चन और हैं, इनको भी करते हैं, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा हम ही लोग का। कह रहा था माई फ्रेंड्स कजिन, तो मेरे दोस्त की कजिन। तो क्वेश्चन में मेरे फ्रेंड में एपिस्ट्रोफे एस लगाएंगे? नहीं सर, सिर्फ एपिस्ट्रोफे, क्योंकि एस ऑलरेडी इसमें लगा हुआ है। वी लव ग्रैंड माँ कुकीज, हम लोग दादी माँ के कुकीज, यानी कि समझ रहे हो ना, ठेकुआ खमौनी जो बोलते हैं गांव घर में, उसको कुकीज बोलते हो आजकल आप लोग। तो मैं वी लव ग्रैंड माँ कुकीज, ग्रैंड माँ में से हाउंड नहीं है एस का, इसलिए एपिस्ट्रोफे के साथ साथ एस भी। इंजीनियर के सनग्लासेस, इंजीनियर में एपिस्ट्रोफे और एस भी, क्योंकि एस का साउंड पहले से मौजूद नहीं है। डोंट लाइक बॉयज स्नीकर्स, बॉय में एस लगने का मतलब प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन का मतलब एस साउंड है इसके अंदर, तो फिर एस लगाना नहीं है, सिर्फ क्या लगाएंगे? एपिस्ट्रोफे। ब्रिंग द बेबी टॉयज, किनका टॉयज? बेबी का टॉय, बेबी का मतलब एस साउंड नहीं है, एस साउंड के साथ ले के आएंगे यहाँ पे एपिस्ट्रोफे भी एस भी, हो गया। तो कोई मुश्किल काम नहीं था, बहुत ही सिंपल सा काम था, आराम से हो गया। अब देखो यहाँ पर आपको बोल रहा है कि एपिस्ट्रोफे एस और ऑफ दोनों लगाना सिखाए थे आपको, तो खाली एपिस्ट्रोफे एस पे प्रैक्टिस करिएगा? नहीं, प्रैक्टिस दोनों पे कीजिए सर, दोनों पे करते हैं। तो कह रहा था यहाँ रिराइट करना है सेंटेंस को, द स्कर्ट्स ऑफ वोमेन नहीं, तो जब महिलाएं सजीव हैं तो ऐसे लिखना गलत होगा। तो क्या लिखेंगे? द वुमेन्स स्कर्ट, द वुमेन और उसके बाद स्कर्ट्स। कहोगे सर अभी भी गलत है ना, वुमेन में एपिस्ट्रोफे और एस कुछ तो लगा लो, तो लगा दिए, काहे गुस्सा रहे थे आप। द टेल ऑफ द हॉर्स, बताइए सर हॉर्स निर्जीव है, इतना बड़ा जानवर निर्जीव कैसे हो गया? तो जब घोड़े की पूंछ लिखनी है तो लिखिए, हम मना नहीं करेंगे, द हॉर्स लिखिए और उसके बाद टेल लिखिए। तो क्वेश्चन में हॉर्स में एपिस्ट्रोफे और एस का साउंड अगर है तो रहने दीजिए। तो ऑफिस ऑफ द डॉक्टर्स, देखिए डॉक्टर सजीव है तो ऑफ नहीं लगना था, एपिस्ट्रोफे ना लगाना था। चलिए द डॉक्टर, डॉक्टर पहले से प्लूरल इन्होंने लिखा हुआ है तो रहने दीजिए, और उसके बाद ऑफिसेस की बात है तो ऑफिसेस लिखिए। फिर याद आएगा कि सर एपिस्ट्रोफे, हाँ हाँ वो जरूर लगाएंगे, हो गया। तो डॉक्टर्स, ऑफिसेस। चलिए 5-6-7 और हैं, उसके बाद सेशन कंप्लीट, आराम। उसके बाद क्या लिखा है? द बुक्स ऑफ द स्टूडेंट्स, ऐसे कैसे? आपने कहा कि स्टूडेंट तो सजीव ठहरा, तो सजीव है तो सबसे पहले लिखिए द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट में एस लगा हुआ है, जी हाँ सर, तो एपिस्ट्रोफे लगाएंगे लेकिन एस लगाएंगे नहीं, और उसके बाद इनकी किताबों को लिख देंगे बुक्स, कैसे ही। अब कहोगे सर 5 नंबर, ऐसा नहीं लग रहा है कि 4 नंबर को ही सही करके लिख दिया, तो अच्छी बात है, हमको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, क्या है सही है ना। या स्टूडेंट में एस है तो अपस्ट्रॉफी लगाया, एस लगाता तो गलती होता, सही था, एकदम सही था, नो कोई गलती नहीं। द टॉयज ऑफ द बेबीज, नहीं 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 नहीं, बच्चे होते हैं सजीव और अच्छे अच्छे होते हैं, तो पहले बेबीज करेंगे हम लोग, प्लूरल है ऑलरेडी इसमें एस के कारण, तो सिर्फ लगाएंगे अपस्ट्रॉफी और उसके बाद लगाएंगे टॉयज। चलिए स्टूडेंट, 4 क्वेश्चन और उसके बाद सेशन समाप्त। करा था द हैट ऑफ मिसेस सैली, आप ही बताओ मिसेस सैली तो लग रहा है कि कोई महिला को रिस्पेक्ट देने के लिए बोल रहे हैं, अब तो महिला सजीव ना हुई, पहले तो मिसेस सैली लिखते हैं, उसके बाद इनमें हम अपस्ट्रॉफे के साथ साथ एस भी लगाते हैं और उसके बाद हैट लिखते हैं। द ड्रेस ऑफ माई सिस्टर, देखिए देखिए आपकी सिस्टर को निर्जीव बना दिए, ऐसे करिएगा तो फिर लड़ाई तो करवे ना करेंगी, तो माई सिस्टर लिखिए, उसमें अपस्ट्रॉफे के साथ में एस भी लगाइए और उसके बाद लिखिए इनका क्या खरीद के दिए थे, ड्रेस। नेक्स्ट में है द लेग ऑफ द चेयर, सही की गलत, सही सर, चेयर निर्जीव, उसका पैर निर्जीव, तो ऑफ के कारण बिल्कुल बैलेंस, बैलेंस का मतलब करेक्ट। चलिए नेक्स्ट में देखिएगा, जूली क्लोज द स्टोर्स विंडो, अच्छा विंडो कब से सजीव होने लगा, इसका मतलब है कि विंडो को निर्जीव मानने के बाद द स्टोर्स विंडो नहीं, द विंडो ऑफ द स्टोर, विंडो सिंगुलर है तो सिंगुलर ही रहने देना है, क्या चीज का, स्टोर का, तो द के साथ भी स्टोर लिख सकते हो, द के बिना भी लिख सकते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। तो ये था आपके पास में नाउन और केस का एक कंप्लीट वीडियो सेशन, जिसमें हम लोगों ने कंप्लीट सारा कुछ किया आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, ठीक है। तो चलिए आप लोग अपना सेशन को कर लीजिएगा पूरा कंप्लीट, अगर अभी तक आप लोगों ने कलम कॉपी नहीं उठाया था और ज़रूरत है कलम कॉपी उठाने का, तो आराम से कहीं से भी स्टडी करिए, उससे अच्छा है यही वीडियो को स्पीड में दोबारा से देखकर नोट्स बना लीजिए, ठीक है। तब हम लोग मिलेंगे वेडनेसडे के बाद फ्राइडे को इस एप्लीकेशन पर, और अगर आप यूट्यूब पर हैं तब तो कंटिन्यू मुलाकातें होती रहती, बाकी थर्सडे है, थर्सडे का जो क्लास होता है वो आपको यूट्यूब और ऐप दोनों पर होता है, जिसमें हम लोग करेंगे वर्ड यानी मोस्ट जरूरी, बहुत जरूरी शब्दों का एक 40-50 क्वेश्चन का पैकेज। तो कल मिलते हैं थर्सडे को, फिलहाल इस वीडियो को कर लीजिएगा कंप्लीट, मिलेंगे हम लोग कल यूट्यूब और एप्लीकेशन दोनों पर, ठीक है। तो अगला जो क्लास होने वाला है इसमें आपको नाउन से रिलेटेड, वो मैं पहले ही आपको बता देता हूँ, नाउन का एसपी बख्शी का टॉप क्वेश्चन का रिवीजन, तो आप लोग देख कर आओगे तो अच्छा लगेगा, नहीं देख करके आओगे तो भी ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट करो।